में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, नया हफ्ता शुरू हो गया है, नए हफ्ते के साथ ब्रांड न्यू टेक न्यूज भी आपके सामने हाजिर है। चुन चुन के मसालेदार टेक न्यूज लाते हैं क्योंकि आपको बड़ा मजा आता है। और हमने शॉर्ट्स कंटेंट भी स्टार्ट कर दिया है इसी चैनल के ऊपर। कुछ यूनिक गैजेट्स होंगे, उनके ऊपर हम अनबॉक्सिंग करेंगे, एक मिनट में आपको सब कुछ बताएंगे। और ऐसे कुछ इंटरनल चीज़ें होगी किसी भी प्रोडक्ट की या स्मार्टफोन्स की, उसके बारे में बताएंगे। तो इस चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिए, आपको रिकमेंडेशन में शॉर्ट्स वीडियोस मिल जाएगी, आपको बड़ा मजा आएगा। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। फटाफट से आज की रेक्टूस शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं ओप्पो से। बड़े टाइम बाद ओप्पो हमारे खबरों में आया है। अब कलर ओएस 13 जो कि एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड होगा, उसकी लिस्ट यहां पर इंडिया की जारी हो चुकी है। नवंबर के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑनगोइंग कुछ फोन है जिनमें ये अपडेट आ रहा है, नहीं आया तो धीरे धीरे आपको फेस मैनर में मिल जाएगा, या फिर 8 या 9 नवंबर से कुछ ऐसे सेलेक्टिव लिमिटेड फोन है जिनमें ये अपडेट होगा। तो कलर ओएस 13 के साथ साथ एंड्रॉयड 13 भी होगा उन सारे फोन्स में नवंबर के अंदर जो आप लिस्ट यहां पर देख रहे हैं। वैसे आप बताइए भाई, ओप्पो का कोई इनमें से ऐसा फोन है जो आप इस्तेमाल करते, जरूर बताना। सैमसंग की तरफ से आज दो इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। सबसे पहले तो भाई एक बहुत ही अच्छी खबर है, सैमसंग S23 सीरीज जो अगले साल बताया जा रहा है कि फरवरी की फर्स्ट वीक में ही आ जाएंगे, इनमें थैंकफुली इस बार भी क्वालकॉम की ही चिपसेट होगी। और ये क्वालकॉम ने खुद ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। हाँ, तो इससे यह पता चलता है कि स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 जो होगा वो अब S23 सीरीज में मिलेगी। S22 सीरीज में हमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 मिली और अच्छा लगा कि सैमसंग ने अपने खुद के चिपसेट छोड़कर स्नैपड्रैगन सीरीज को अपनाया, तो S23 सीरीज के साथ भी यही हो रहा है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे S22 अल्ट्रा में अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है जब मैंने इसको एक्जिनोस से पहले कंपेयर किया था। खैर, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उसी के साथ अगर सेल की बात करते तो इंडिया में सितंबर और अक्टूबर में एक महीने में सैमसंग ने ये जो फ्लिपकार्ट अमेज़न के सेल वगैरह चल रहे थे 14,400 करोड़ के अपने प्रोडक्ट्स स्मार्टफोन्स सोल्ड किए। सोचो 14,400 करोड़ कितना ज्यादा होता है। वैसे इनके लिए तो कुछ ज्यादा नहीं है, बट हम सोचते तो बहुत ज्यादा लगता है। इतने सारे लोगों ने सैमसंग के फोन्स परचेस किए, ट्रस्ट भी होता है एक ब्रांड का। वैसे आप बताइए, आपने कौन सी ब्रांड का स्मार्टफोन इन सेल के दौरान परचेस किया था, कमेंट में जरूर बताना। वैसे हाल ही में आपको याद होगा Xiaomi ने अपने Redmi Note 12 सीरीज लॉन्च किया था, उसमें सबसे जो हाईएस्ट वाला एक और था एक्सप्लोरर एडिशन जिसमें 210 वॉट की फास्ट चार्जिंग थी। ये पहला ऐसा फोन है पूरे वर्ल्ड में जो कमर्शियली इतने हाई चार्जिंग स्पीड के साथ आया था। इसकी अभी चार्जिंग स्पीड इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई है। वैसे फोन में तो सिर्फ 4300 mAh की बैटरी है और उसको ये जो अडेप्टर है 210 वॉट वाला सिर्फ 8 मिनट के अंदर ही 8 मिनट में 0 to 100% चार्ज कर दिया। देखिए, अपने आप में ये बात अच्छी है, बट कहीं ना कहीं ये जो मार्केटिंग इतना ज़्यादा हो जाता है ना इन चीज़ों को लेकर, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले भी बताया था, आई थिंक एक वीडियो भी बनाया था, कि 67 वॉट या 65 वॉट सफिशियंट होता है एक स्मार्टफोन के लिए। अगर 5000 mAh बैटरी दे देते और 65 वॉट चार्जिंग देते, मेरे ख्याल से ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। 120, 200, 210 ये सब करके भाई चार्जिंग साइकिल के भी लगा रहे आप एकदम से। खैर, तो ये स्पीड है अभी तक का, मुझे लगता है कि इससे कोई फोन फास्ट चार्ज नहीं हुआ रहेगा। iPhone 14 Pro Max 1 करोड़ रुपए में, कभी आपने सोचा रहेगा? नहीं। हो सकता है आने वाले 50 साल बाद हो जाए, लेकिन खैर, कैवियर एक ऐसी ब्रांड है जो बहुत ही प्रीमियम स्मार्टफोन्स बनाती है, मतलब जो फोन ऑलरेडी होता है उसके ऊपर अपनी प्रीमियम कोटिंग करती है। टाइटेनियम बॉडी, पीछे रोलेक्स की यहाँ पर वॉच आपको मिलती है, पहले भी ऐसा उन्होंने किया था। अब आईफोन 14 प्रो मैक्स का ऐसे ही उन्होंने लिमिटेड एडिशन बनाया है जिसमें इसकी प्राइस जो स्टार्ट होती है वो 1 करोड़ रुपए। और इसका जो 1 TB वाला है वो तो 1 करोड़ 11 लाख से भी ज्यादा है। भाई, लेने वाले लोग ले लेते स्टेटस VIP जो होते हैं वो सब करने के लिए, लेकिन सोचो 1 करोड़ रुपए, जैसे कि मैंने बताया ना, आने वाले 50 साल बाद ऐसे ही होने वाला है, ऑफिशियली ही 1 करोड़ में लॉन्च होगा। Realme की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। Realme 10 सीरीज जो 10 Pro, Pro Plus है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ 5G वाले, 17 नवंबर को चाइना में लॉन्च होने वाले हैं, ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है। तो समझ लीजिए कि इधर दिसंबर या जनवरी में हमें इंडिया में मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी होगा, दिसंबर में तो शायद नहीं आएंगे। और Realme 10 Pro Plus 5G ये कर्व डिस्प्ले के साथ होगा। इसमें तो ये भी बताया जा रहा है कि 3.5mm जैक नहीं होगा और इसकी स्पेक्स भी लीक हुई थी, Dimensity 1080 और इसमें 5000 mAh की बैटरी वगैरह, और OIS भी होगा कैमरे में, ऐसा बताया जा रहा है। तो Realme 9 Pro Plus में हमें क्या मिला था, Dimensity 920, तो ये सो अपग्रेड हो रहा है। बाकी देखते हैं, कर्व डिस्प्ले हो रही है, तो प्राइस क्या चाइना की होती है, उसके बाद इंडिया में क्या होती है, जब दिसंबर या इधर जनवरी में आएगा तो पता चलेगा।
अपने मस्के वाले बाबा जो है आजकल बड़े अलग ही मूड में चल रहे हैं, मतलब हटक गई चचा की, मतलब जब से ट्विटर को लिया है लड़ाई झगड़े कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं आंटियों की तरह, इसको हटा रहे उसको हटा रहे, मतलब सीन क्या हो रहेगा फिलहाल के लिए एचक्यू में आप खुद देखो। अरे मैनेजर जी, ये कैबिन किसकी है? बेच मारो इस कैबिन को। ये कैबिन किसकी है? ये आपके दोनों चाचाओं की है। बेच मारो इसको। ये दो कैबिन किसकी है? ये टॉयलेट्स है सर। बेच मारो इनको। उसी के साथ साथ एक बुरी खबर ये भी है कि इंडिया की भी सारे टीम जो है उनको फायर्ड कर दिया। ऑलमोस्ट 80% स्टाफ बोलते हैं हटा दिया, बोला कुछ नहीं चाहिए। वो ऐसा पूछा गया कि भाई तो ऐसा क्यों कर रहे, तो बोले कि भाई वो आदमी हम सोच के धीरे धीरे सबको वापस लेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, अभी सबको हम भगा दिए ले। आपको पता है ये करने से ट्विटर को दिन का 32 करोड़ का नुकसान हो रहा है, बट एलन भाई के लिए तो एक घंटे की कमाई है। देखते भाई ये ट्विटर पे क्या हो रहा है, अंड शंड चीजें हो रही है, और ट्विटर और खुद बोलते भी है एलन मस्क कि मेरे को गाली दो, मेरे को जितना बुरा बोलना बोलो, मैं महीने का $8 लेगा ही लेगा ब्लू वेरिफिकेशन टिक के लिए। इंडिया की रेट अभी आई नहीं है, मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरा भी ब्लू वेरिफिकेशन टिक खतरे में आ रहा है, मैं जाके देख के आता क्या हो रहा है। डील की बात करते हैं, अगर आपको बोट के बढ़िया वायर्ड हेडफोन्स चाहिए तो ये 1800 रुपये में आपको अमेजोन पर मिलेगा, 50 mm के ड्राइवर्स। हाँ भाई एकदम पूरी दुनिया हिल जाएगी आपके कानों के साथ साथ, और 20 घंटे का आपको उसमें बैकअप मिलेगा। उसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, वायरलेसली आप अपने फ़ोन में भी कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको पूरी दुनिया से अलग होना है तो ऐसे हेडफोन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गेमिंग की बात करते हैं, अगर आपको जानना है कि नवंबर के महीने में कौन से गेम्स यहाँ पर आ चुके हैं या आने वाले हैं, तो ये पीसीज और कंसोल्स की लिस्ट मैं आपको आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये कुछ गेम आप पहचानते भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, तो आप देखिए डेट्स वगैरह सब आपको पता ही चल जाएगा अगर गूगल सर्च करेंगे तो। लेजेंड्स अपने तरीके से इंस्टॉल करिए, और जो जेन्युइन है वो अपने तरीके से इंस्टॉल करिए। क्या आपको बताया दोस्तों, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिन्होंने ग्लो इन द डार्क हाईवे पेंट टेक्नोलॉजी इनोवेट किया है। बेसिकली कभी कभी क्या होता है ना, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती है तो हमें अपनी गाड़ी की लाइट पर ही डिपेंड करना पड़ता है, रास्ता कहाँ मुड़ रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, फिर धीरे धीरे बहुत हेडेक होता है। लेकिन इस ग्लो इन द डार्क हाईवे पेंट टेक्नोलॉजी से रास्ते में जो उन्होंने वो जो बीच में जो लाइन होती है साइड जो होती है वो अंधेरे में ही चमकेगा, तो आपको लाइट की भी जरूरत नहीं है, बस उसको फॉलो करिए और अपने घर पर पहुँच जाइए। ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए। आज के न्यूज़ देखा तो भी करता हूँ, आज के न्यूज़ पसंद आएगी पसंद आए, लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।